तमाम मेरे भाई बिरादर सभी लोगों से, मंदखनली में 27 को संदल मुबारक है हज़रत मुबारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, और बहुत बड़ी हस्ती है। बड़े पैमाने में अल्हम्दुलिल्लाह संदल मुबारक होता है, और जो है ना कुश्ती का प्रोग्राम होता है हमारे पास, कव्वाली का प्रोग्राम है, स्टेज प्रोग्राम है। और तभी हजरा से तभी सभी भाइयों से अपील करता हूँ मैं कि हमारे संदल मुबारक में हाजिर हो और कव्वाली का, कुश्ती का, जो भी हमारे पास प्रोग्राम होते हैं उसमें शिरकत करें। और सबसे गुजारिश है सभी सभी कौम के लोगों से, हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हमारे गांव में सभी मिलजुल के इस मौके को, इस ईद को, त्यौहार को मनाते हैं, मिलजुल के करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग सब पहुँचे यहाँ पे। ये संदल की डेट बोलो सबका। संदल की डेट जो है ना 27 जनवरी को संदल है हफ्ते के दिन शाम में, और 28 को जो है ना चिराखा है शाम में, कव्वाली का प्रोग्राम है, और दोपहर में जो है ना कुश्ती का प्रोग्राम है। और हमारे पास कुश्ती के जो है ना तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बड़ी दूर दूर से जो है ना पहलवान आते हैं यहाँ पे, कुश्ती का प्रोग्राम अच्छे से अच्छा होता है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपका नाम? जी मेरा नाम लाल मोहम्मद है, हम दरगाह कमेटी से जुड़े हुए हैं। ओके, मोहम्मद फेरोज है, कमेटी से जुड़े हुआ हूँ। हजरत मुबारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का संदल है, हर गंगा जमुना तहजीब को लेकर हजरत मुबारक शहीद का संदल 27 तारीख 12 जनवरी हफ्ते के दिन इतवार के दिन चिराखों का और कुश्ती का आगाज़ होगा, और शाम में कव्वाली का प्रोग्राम होगा। सब हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि शिरकत करें संदल और कुश्ती में, सबसे शिरकत करें। हजरत मुबारक शहीद की 2/14 प्रतिवर्ष जयंती ई वर्ष कूड़ा हजरत मुबारक शहीद और संदल इदे मुंबरव 27 जनवरी ಎಂದು ಸಂದಲಿದೆ ಮತ್ತು 28 ಜನವರಿ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕವಾಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ